नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष और आप देख रहे हैं मोस्टली इवनिंग। दोस्तों, ये बहुत ही ऑसम और बहुत ही कूल प्रोडक्ट है और ये है साउंड एक्टिवेटेड आरजीबी लाइट बार, जो कि रिस्पॉन्ड करता है रियल टाइम वॉइस पे विदाउट एनी डिले। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कुछ बात कर रहे होंगे या इसके साथ में कोई सॉन्ग चल रहा होगा तो ये इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करेगा इस तरीके से जैसे कि ये अभी कर रहा है। तो इसकी वर्किंग और इसके फीचर्स देखने के लिए सीधे चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग पे। ये है बॉक्स आरजीबी लाइट बार का और यहाँ सामने की तरफ देखें तो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू अपग्रेड, मतलब ये न्यू अपग्रेडेड वर्जन है। और ये जो है ये प्रोडक्ट की पिक्चर दी हुई है यहाँ पे, और साइड में देखें तो यहाँ पे आपको इन्होंने बता रखा है कि इसमें मल्टी कलर मोड है, ये वॉइस रिकॉग्निशन के साथ आता है और नॉइस सप्रेशन के साथ आता है, और आप इसको कार में, घर पे, पार्टीज में या आउटडोर एक्टिविटीज में इसको यूज कर सकते हैं। और इस साइड देखें तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट की पिक्चर दी गई है और नीचे यहाँ पे मॉडल नंबर दिया है, इनपुट पावर बताई है DC 5 वोल्ट और 1 एम्पेयर, और इसमें बताया गया है कि इसके साथ एक ये लैंप आता है और इसके साथ एक पावर कॉर्ड आएगी जो कि चार्जिंग केबल है, और एक बेस यहाँ पे बताया गया है जो कि इसका स्टैंड है। और इस साइड अगर आप देखें तो यहाँ पे ये बताया गया कि ये तीन वेरिएंट्स में आता है, पहला USB पावर्ड है और दूसरा रिचार्जेबल है, तीसरा रिचार्जेबल प्लस ऐप कंट्रोल वाला है। तो मैंने रिचार्जेबल मंगाया है, इसलिए यहाँ पे रिचार्जेबल पे टिक किया हुआ है। अगर आपको रिचार्जेबल प्लस ऐप कंट्रोल मंगाना है तो वो थोड़ा सा महंगा आता है, वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। और इसमें दो कलर आते हैं, ब्लैक और व्हाइट, मैंने व्हाइट मंगाया है तो इसमें यहाँ पे व्हाइट टिक है। अगर आपको ब्लैक में चाहिए तो वो आप चूज कर सकते हो जब आपको बाय करना हो। और साइड देखें तो यहाँ पे भी जो पिक है इसकी दी हुई है, और अब इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ हमें चार चीजें देखने को मिलती हैं। पहला है ये यूजर मैनुअल जिसमें इसकी पूरी वर्किंग बता रखी है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा कैसे होगी। और दूसरा है ये स्टैंड जिसमें कि आप इस बार को स्टैंड कराएंगे। और तीसरा जो है वो है ये टाइप सी चार्जिंग केबल जिससे कि आप इसको चार्ज करेंगे। और इसकी जो लेंथ है वो लगभग लगभग 1 मीटर है, तो आप इसको इजीली कहीं भी रख के चार्ज कर सकते हैं। और चौथी जो चीज़ है वो है हमारा ये लाइट बार। और दोस्तों, ये बहुत बढ़िया लग रहा है, इसका जो मेक है वो भी काफ़ी अच्छा है और इसकी क्वालिटी जो है वो भी बहुत अच्छी लग रही है। और ये बना है एक्रेलिक और एल्यूमिनियम से, और सामने की तरफ देखें तो ये यहाँ पे स्क्रीन देखने को मिलती है। स्टेप को मैं अगर हटा दूँ तो आप देखें ये जो स्क्रीन है इसमें लाइट जो है अप डाउन होगी जब भी ये कोई वॉइस रिकॉग्नाइज करेगा। फोन करके मैं दिखा देता हूँ आपको, ये इस तरीके से ऑन हो जाएगा और जब भी कोई बोलेगा या कोई सॉन्ग चलेगा तो इस तरीके से ये रिएक्ट करेगा। और पीछे की तरफ इसमें देखें तो यहाँ पे तीन बटन हमें देखने को मिलते हैं। तो ये पहला जो बटन है ये ऑन ऑफ बटन है, इस पर आप लॉन्ग प्रेस करके इसको होल्ड करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा और इसी तरीके से ये ऑफ भी होगा। और दूसरा जो बटन है इससे आप कलर चेंज कर सकते हैं और ब्राइटनेस को चेंज कर सकते हैं। और ये तीसरा जो बटन है इससे आप डिस्प्ले को चेंज कर सकते हैं और इसकी स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। और नीचे की तरफ देखें तो ये माइक्रोफोन यहाँ पे दिया हुआ है और ये यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है जिसको कि आप टाइप सी केबल के थ्रू चार्ज कर सकते हैं किसी भी मोबाइल अडेप्टर से या किसी भी पावर बैंक के थ्रू। और इसमें लगी है 32 LED IC और ये आता है 16 कलर मोड्स के साथ विद 4 ब्राइटनेस लेवल और 8 डिस्प्ले मोड्स के साथ विद 5 स्पीड लेवल्स। जब आप इसको चार्जिंग पे लगाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ग्रीन लाइट ब्लिंक होने लगेगी, एक कॉन्स्टेंट है इसका मतलब ये 25% चार्ज है, और दूसरा ब्लिंक कर रहा है इसका मतलब ये अभी चार्जिंग कर रहा है। जब यहाँ पे पूरे 4 पॉइंट दिखाने लगेगा इसका मतलब ये फुल चार्ज हो गया है, उसके बाद आप इसको हटा सकते हैं चार्जिंग से। तो अब इसको यूज करके देखते हैं, इसके जितने भी मोड्स हैं कलर के और डिस्प्ले के सब चेंज करके, और हम लोग यूज करके इसको देखते हैं कि कैसा लग रहा है ये। तो सबसे पहले मैं इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये जो इसका ऑन ऑफ बटन है इसको लॉन्ग प्रेस करके होल्ड करेंगे तो ये इस तरीके से जब इंडिकेशन आएगी इसका मतलब ये अब ऑन हो गया। और इसी तरीके से अगर इसको हम लोग लॉन्ग प्रेस करके होल्ड करें और ऑफ हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से ऑफ का इंडिकेटर आ जाएगा। तो इसको ऑन करते हैं वापस, ये ऑन हो गया है। अब इसमें कलर मोड चेंज करके देखते हैं। तो पहला इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए रेड हो गया, उसके बाद सेकंड क्लिक करेंगे तो ये ब्लू हो गया, और थर्ड क्लिक करने पे ये पर्पल हो गया, फोर्थ पे ये येलोइश हो गया कुछ, और उसके बाद ये फिर पूरा येलो हो गया, और अब पूरा ग्रीन, और यहाँ पे ये वाइट आ गया, और यहाँ पे ये कलरफुल हो गया, उसके बाद फिर ये पिंक कलर आ गया है, और उसके बाद ये वापस ब्लू, फिर ये आ गया है, फिर कलरफुल है डिफरेंट और येलो। और इस तरीके से आप इसमें कई कलर्स चेंज कर सकते हैं, हर बार अलग अलग ये शो करेगा। और इसी तरीके से अगर ब्राइटनेस देखें तो इसको हम लॉन्ग प्रेस करके होल्ड करेंगे तो ये ब्राइटनेस लेवल कम हो गया, उसके बाद फिर करेंगे तो और कम हो गया, उसके बाद फिर करेंगे तो ये और कम हो गया, और उसके बाद फिर से एक बार करें तो ये देखिए बिल्कुल बढ़ गया।
तो ये ब्राइटनेस लेवल भी इसका प्रॉपर काम कर रहा है। और इसी तरीके से इसके डिस्प्ले अगर चेंज करके देखें ऊपर, तो इसको एक बार क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से डिस्प्ले चेंज हो गया, फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से डिस्प्ले चेंज हो गया, फिर ये डिस्प्ले चेंज हो गया, और फिर से अगर करें तो ये अलग तरीके का हो गया। तो अलग अलग तरीके के इसमें हैं, आप जो भी आपको यूज़ कर रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हो, बस एक बार क्लिक करना है और वो चेंज होता जाएगा। और इसके बाद इसमें लॉन्ग प्रेस करके अगर होल्ड करें हम लोग, तो ये स्पीड लेवल इसकी बढ़ जाएगी या घट जाएगी जिस हिसाब से भी उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो फिर से एक बार क्लिक करते हैं, ये देखिए ये बढ़ गई, फिर एक बार और करते हैं, ये देखिए ये फिर से बढ़ गई, और ये अब कम हो गई, और इसके बाद ये आ गई। तो स्पीड लेवल में इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जैसे कि कलर में और ब्राइटनेस में काफ़ी फ़र्क था, लेकिन ये स्पीड में इतना फ़र्क मुझे लग नहीं रहा है। और बाकी प्रॉपरली ये काम तो कर रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और इसको अगर हम लोग वापस उसमें लाना चाहें डिस्प्ले में जो इसकी थी, तो आई थिंक हमें इसको प्रेस करने के बजाय इसको अगर हम लोग ऑफ़ करके फिर ऑन करें, फिर देखते हैं। ये ऑफ़ किया और उसको दोबारा ऑन करके देखते हैं, तो ये मुझे लग रहा है अभी भी उसी कलर में है। तो इसके मोड्स को चेंज करना पड़ेगा जिस भी तरीके से आपको रखना है, और लास्ट में जो आपने यूज़ किया है उसको बंद कर देंगे तो ये उसी जो कलर मोड है और डिस्प्ले मोड है उसी में ये ऑन होगा। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आपको चेक करना है कि इसमें बैटरी कितनी बची है, तो इसको ऑफ जब करेंगे तो इसको एक बार हल्का सा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो ये दो ग्रीन लाइट दिखा रहा है, इसका मतलब ये 25-50% के अंदर चार्जिंग कैपेसिटी अभी इसकी है। जब ये 1 पे आ जाएगी लाइट, तो इसका मतलब ये लेस देन 25% इसमें बैटरी बची है। और उसी तरीके से जब ये 3 लाइट दिखाएगा प्रॉपर, तो मतलब 50-75% इसमें बैटरी कैपेसिटी है। और जब ये 4 कंप्लीट आपको दिखा दे, जैसे दो दिखा रहा है तो 4 कंप्लीट अगर आपको दिखा दे, तो उसका मतलब ये 75-100% के बीच में चार्जिंग इसकी है। तो इस तरीके से एक बार इस ऑन ऑफ बटन को क्लिक करके और आप चेक कर सकते हैं कि बैटरी कितनी है या नहीं है। तो ये पूरी तरीके से वर्क प्रॉपर कर रहा है। अब इसको हम लोग म्यूजिक चला के और अंधेरे में देखते हैं कि ये किस तरीके का फील दे रहा है। तो अंधेरे में ये बहुत बढ़िया फील दे रहा था, और अगर आपको यूज़ करना है तो आप इसको अंधेरे में, पार्टीज़ में, स्पीकर के ऊपर रख के या रूम में टीवी के ऊपर रख के अगर थोड़ा सा लाइट डिम करके इसको यूज़ करेंगे तो बहुत बढ़िया ये फील देगा। और बात करें अगर इसके प्राइस की, तो ये 450 से लेके 499 तक अमेजोन पे आपको मिल जाएगा सिंगल पीस, जो कि विदाउट ऐप काम करेगा। अगर आपको ऐप वाला चाहिए जो ऐप में भी काम करे, तो उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, और 2 या 3 अगर आपको पीस चाहिए तो उसके प्राइस भी थोड़े ज़्यादा है। मैं सबके जो लिंक है वो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको परचेज करना है तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी क्लिक करिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं।